गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ सुरभि इंडियन गर्ल इन यूरोप आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं और दीपक आए हैं और आज का टॉपिक है हम लोग कंपेयर करने वाले हैं यूएस वर्सेस जर्मनी बहुत सारे हमने ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो यूएस वर्सेस जर्मनी के लिए बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक डेस्टिनेशन चूज़ करने के लिए सो वी थाट कि आज हम कंपेयर करें यू एस जर्मनी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वीडियो लास्ट तक देखना बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आपको एक प्रोस्पेक्टिव uh, दिखेगा यू का एंड जर्मनी का और हम यहाँ पर रह रहे हैं तो ऑफ़कोर्स हम यहाँ के बारे में भी सारी चीजें बताएंगे और कोर्स यूएस के बारे में तो हमें पता ही है तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड यूएस जो है वो बहुत टाइम से हमारे लिए जो है इंडियंस के लिए एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ हम जाना चाहते हैं चाहे वो प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड हो या स्टडी से रिलेटेड हो अब जर्मनी भी टॉप जो है उसमें से एक हो गई है अब मैं आपको टॉप ऐसे रीज़न्स बताती हूँ जर्मनी के जो मुझे अच्छे लगते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं उन्हें अच्छे लगते हैं एक मीज मेज़र रीज़न ये है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री हैं तो यूनिवर्सिटी फ्री होने के कारण यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता स्टडीज़ के लिए बहुत कम पैसे में ही आपके जो स्टडीज़ है वो कम्प्लीट हो जाती है यूनिवर्सिटी में वेर एस अगर हम यू की बात करें तो यू में जो है वो कैंपस एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड से जाते हैं एजुकेशन सिस्टम भी वो जो टॉप कॉलेज होते हैं वहाँ का बहुत अच्छा होता है बट आपको थाउजेंड ऑफ़ डॉलर्स जो हैं वो खर्च करने पड़ते हैं वहाँ की एजुकेशन के वेयर एज अगर जर्मनी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है प्लस एजुकेशन करने के बाद जो जॉब पॉसिबिलिटीज होती हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं यूएस में भी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी सारी जो यूनिवर्सिटी हैं उसका जो एजुकेशन का स्तर है वो बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए यूएस भी बहुत ही ज्यादा एक डेस्टिनेशन मानी जाती है बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देती हूँ कि जर्मनी के बारे में एक चीज़ है कि बिकॉज सारे ही जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश थाट नहीं होते हैं जर्मन लैंग्वेज में भी होते हैं तो एक जर्मन लैंग्वेज की वजह से जो है वो हो सकता है कि एक ड्रॉबैक है फिर यू एस जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो वो ये जो ड्रॉबैक है वो नहीं होगा तो ये था फर्स्ट पॉइंट जो है एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो जैसा सुरभि ने बताया मैं बताता हूँ सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट है करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैं जर्मनी में रह रहा हूँ चार साल से और मैं यूएस भी आता जाता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली तो अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ इंजीनियरिंग डोमेन में तो वो दोनों जगह ही काफ़ी हैं यू में बहुत ज़्यादा हैं बहुत सालों से हम काफ़ी सालों से सुन रहे हैं यू के बारे में लेकिन अभी कुछ रिसेंटली कुछ सालों से जर्मनी के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं काफ़ी लोग आईटी में स्पेशली इंडिया से आ रहे हैं इजीली जॉब मिल रही हैं ये कंट्री अभी ऐसे ऐसे रूल्स ला रही है कि और इजी हो लोगों के लिए जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए जर्मनी आना पर फिर भी अगर मैं बात करूं कि जो वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट फेमस जो कंपनीज हैं वो कहाँ से हैं वो ऑफ़ कोर्स यूएस से हैं पर जर्मनी में भी कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा आप आश्चर्य हो जाएंगे जानकर के वो जर्मनी से हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही जगह हैं मैं मानूंगा लेकिन थोड़ा सा मैं यू को उसमें ऊपर रखता हूँ दूसरा रीज़न ये है कि जर्मनी में सारी जॉब्स इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स नहीं होती तो वहाँ से शायद आपका थोड़ा क्राइटेरिया सर्च का कम हो जाए जबकि यू में ऑफकोर्स सारी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स होती हैं और जो ग्रो करने के चांसेज़ होते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो इक्वल होते हैं मतलब कंपेयर टू तो इंडिया या और दूसरी कंट्रीज़ में लेकिन जर्मनी में लैंग्वेज की वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको उतने उस फ्रीडम के साथ आपको ग्रो करने का चांस ना मिले तो इसलिए अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यूएस में स्लाइटली थोड़ा सा एडवांटेज है और जो थर्ड पॉइंट है वो है सैलरीज तो ऑफ uh, कोर्स हम यूएस के बारे में हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं यूएस में गजब की सैलरी मिलती है जर्मनी भी वर्ल्ड की हाईएस्ट पेइंग जॉब्स वाली कंट्रीज़ में से एक है जर्मनीज में अच्छी जर्मनी में अच्छी जॉब्स में अच्छी सैलरी भी मिलती है फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग डॉक्टर्स इनके लिए यू में ये है डिफरेंस ये है कि यू में डिफरेंट जॉब्स के हिसाब से सैलरी बहुत ज़्यादा वेरी करती है कि हो सकता है किसी एक ही इंजीनियरिंग और आईटी डिपार्टमेंट के किसी एक बंदे को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही हो और किसी को एवरेज मिल रही हो एज जर्मनी में इतना ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन वेरिएशन नहीं दिखेगा और वही रीज़न है कि यहाँ पे पुअर और रिच का बैलेंस है यहाँ पर यूरोप के अंदर स्पेशली जर्मनी में जबकि यू में वो डिफरेंस बहुत बड़ा है तो अगर मैं सैलरीज की बात करूँ तो जर्मनी में आपको सैलरी अच्छी मिलती है अगर आप इंडिया से आते हैं आप अच्छी सेविंग्स कर, कर कर पाते हैं वहीं अगर यूएस की बात करूं तो यूएस में आपको एवरेज सैलरी भी मिल सकती है और हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सैलरी भी मिल जाए तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है सैलरीज में जर्मनी और यूएस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल मेडिकल uh, के बारे में बात करें तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया कि जर्मनी का मेडिकल सिस्टम है जो वो बहुत ही अच्छा है आपको बिना कुछ पैसे जो आपकी सैलरी से कटता रहता है उससे ही मेडिकल जो है वो कवर हो जाता है एंड इन केस अगर आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़े या आपको बहुत कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो भी आपको कोई पैसे खर्च यहाँ पर नहीं करने पड़ते जो कि बहुत अमेजिंग बात है वेयर एज अगर यू की बात करें तो जो वहाँ का मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इवन इन सम केसेस मैंने सुन रखा है कि लोगों को अपने पॉकेट से पाँच हज़ार यूरो से आठ हज़ार यूरो जो है वो खर्च करने पड़ते हैं अगर उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और उनको कुछ भी इमरजेंसी के लिए जो है वो डॉक्टर के पास जाना पड़े या हॉस्पिटल में जाना पड़े इससे एक चीज़ मुझे लगता है कि जर्मनी बहुत ऊपर है बिकॉज आपको कभी भी ये चिंता नहीं होती कि अगर आप बीमार पड़ जाओगे या आपको कोई भी मेडिकल जेंसी आ गई तो आप उसे कैसे डील करोगे एंड वो जो है वो सिर्फ जर्मनी में सीमित नहीं है यूरोप में आप कहीं भी रहोगे वो जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो आप कहीं भी अवेल करा सकते हो वेयर एस यू का ये एक ड्रॉबैक है एंड दैट्स इट एक और बात जर्मनी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है और यहाँ पर हर एक इंसान के पास जो है वो इंश्योरेंस होता है मेडिकल इंश्योरेंस होता है वह यू में ऐसा नहीं है यू में सभी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता और जिनके पास होता है उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा जो है उसके लिए खर्च करना पड़ता है तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेबर लॉस अफकोर्स अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और यहाँ पर जॉब कर रहे हैं किसी भी एक कंट्री में दोनों में से एक तो हमारे लिए इम्पॉटेंट ये होता है कि जॉब सिक्योरिटी कैसी है लेबर लॉस कैसे हैं ऐसा तो नहीं कि लात पड़ जाएगी तो कहाँ जाएंगे क्या करेंगे तो उस मामले में मैं जर्मनी को बहुत ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ क्योंकि जर्मनी के लेबर लॉस बहुत अच्छे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट के हिसाब से एक नोटिस पीरियड होता है जो कि यू में नहीं है यू में आप मतलब एक्चुअली ऑफिशियल नोटिस पीरियड होते ही नहीं है एक वीक पंद्रह दिन ऐसा कुछ है तो कभी भी आपको जॉब से लात पड़ सकती है दूसरी चीज़ जर्मनी के अंदर अगर आपने दो साल से ज़्यादा इंश्योरेंस पे किया हुआ है आपका तो अगर आपकी जॉब चली भी जाती है तो आपको एक सर्टेन पीरियड तक प्रॉब्लम वो एक साल डेढ़ साल दो साल तक आपको आपकी सैलरी का कुछ परसेंट इवन सेवेंटी से लेकर एट्टी परसेंट तक आपको सैलरी मिलेगी उस ड्यूरेशन में आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं हाँ इवन यहाँ पर आगेन्ट फोर आरबाइज करके एक एजेंसी होती है जिसका स्पेसिफिकली काम ये होता है कि वो आपको जॉब ढूंढने में हेल्प करें आपका सपोर्ट करें और आपको काफ़ी सारे कोर्सेज़ फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं तो उस मामले में यहाँ का मतलब जो मैं सिस्टम बोलूँगा वो बहुत स्ट्रॉग है इवन जो रिसेशन के टाइम पे जर्मनी का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल था लोगों के लिए 2008 में भी और कोविड टाइम में भी लोगों की इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं गई क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने शॉर्ट वर्क करके एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ था जो कंट्री मैंने जो कहीं और नहीं सुना यू में तो नहीं सुना तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आती है कि पेंशन यहाँ पर आप अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देते हैं टैक्सेस ज़रूर यहाँ पर हाई हैं तो उनका एडवांटेज भी बहुत है तो आप जब रिटायर होते हो तो आपको सर्टेन अमाउंट आपका पेंशन यहाँ पर मिलता है जो यूएस में ऐसा नहीं है तो इसलिए मैं इस मामले में जर्मनी को यूएस से ऊपर रखता हूँ दूसरी बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बहुत बार मैंने बोला है यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अमेजिंग है यहाँ के जो आपके वर्किंग आवर्स हैं आप उसी टाइम पे काम करते हैं एंड उसके बाद छुट्टी वेर इस यू में ऐसा नहीं है यू में जो कल्चर है या वर्किंग कल्चर है वो बहुत हद तक इंडिया जैसा है लोग बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं वेरस जर्मनी में अगर आपको कोई भी सिकनेस है तो आप उसके लिए प्रॉपर जो है वो रेस्ट ले सक हैं लीव ले सकते हैं हॉलीडेज ले सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है जर्मनी के बारे में फिर एक और बात जो बहुत अच्छी है जर्मनी के बारे में वो है हॉलीडेज यहाँ पर थर्टी डेज ट्वेंटी एट डेज टू थर्टी डेज हॉलीडेज होती हैं जो लेनी ही पड़ती हैं मतलब वो हॉलीडेज हॉलीडेज कोटा के लिए ही होती है और आप आराम से अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो और अनलिमिटेड सिक लीव जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है वे इस यू की बात करें तो यू में पंद्रह से बीस दिन का होता है जो कि लोग नहीं लेते हैं जनरली जैसे हमारे इंडिया में होता है पर यहाँ पर हॉलीडे मीनस हॉलीडेज जिसमें भी मैं बोलूँगी कि जो जर्मनी है वो बहुत ही बेटर डेस्टिनेशन है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आई रेट जर्मनी एज अ बेटर प्लेस देन यू तो अगला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमिग्रेंट्स के लिए वो है वीज़ा तो जर्मनी में जो हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो ब्लू कार्ड वीज़ा मिलता है वो उसकी ड्यूरेशन होती है दो से चार साल और अगर आपने बाई चांस बी वन लैंग्वेज कर लिया तो आप दो साल के अंदर ही आप परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको पीआर मिल जाता है अगर नहीं है तो तीन साल के बाद आप थर्टी थ्री थर्टी सिक्स मंथ्स के आसपास कुछ होता है उसके बाद आपको पीआर मिल जाता है ऑन द अदर साइड यू में इस चीज़ के लिए बड़ा स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है स्पेशली इंडियंस के लिए इंडियंस के लिए सबसे पहली बात तो आपको वर्क वीज़ा लेना ही एच वीज़ा लेना ही मतलब किस्मत का खेल है लॉटरी पर मिलता है जबकि जर्मनी के साथ ऐसा नहीं है अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको जॉब मिल गई जर्मनी से तो आपको वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा वर्क वीज़ा सेकेंडली होता है आपको सिटीजनशिप सिटीजनशिप लेना है जर्मनी के अंदर बहुत आसान है अगर आपके पास आप यहाँ पर आठ साल रह चुके हैं ऑलरेडी तो उसके बाद आप बी वन कर लेते हैं तो आपको ईजीली जर्मन पासपोर्ट मिल जाता है जबकि यूएस में उसके लिए बहुत लंबा स्ट्रगल है जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें पता है पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल लग जाते हैं लोगों को सिटीजनशिप लेने के लिए ऑन द अदर साइड जो जर्मन पासपोर्ट है उसकी बहुत वैल्यू है जर्मन मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर दोनों कंट्रीज़ में कंपेयर करना हो तो जर्मनी इज मच 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 बेटर देन यू और इन सब से ऊपर अगर मेरे को जर्नली कंपेयर करना हो मेरे पर्सनली मेरे जो ओपिनियन है मैं जर्मनी को प्रेफरेंस देता हूँ इसलिए क्योंकि इंडिया से पास में है तीन साढ़े तीन चार घंटे का चार साढ़े चार घंटे का मैक्सिमम डिफरेंस होता है टाइम में आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं अपनी फैमिली से वाइल एस यू काफ़ी दूर पड़ जाता है इंडिया से और टाइमिंग भी पूरी दिन रात का अंतर हो जाता है ट्रेवल करने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए भी फैमिली से दूसरा अगर आप जर्मनी में रह रहे हो तो आप यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कल्चर मतलब लैंडस्केप इतना अमेजिंग है आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के अंदर सबको पता है मतलब यूरोप वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए तो सोचो वहाँ पर रहना कितना अच्छा होगा आप एच मतलब नीदरलैंड्स जर्मनी फ्रांस स्पेन यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज़ आप घूम सकते हो आपको मतलब वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है और मतलब मेरे लिए तो पर्सनली अगर मैं प्रेफरेंस दिया जाए तो मैं जर्मनी को बहुत ऊपर रखता हूँ यू एस एक और चीज़ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये ये वाला जो पॉइंट है उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए जर्मनी uh, से बेटर है यूएस इस चीज़ में जैसे इंडियन कम्युनिटी या इंडियन जो भी चीज़ें हैं हमें खाने पीने की चीज़ों से लेकर जो भी पहनने की चीज़ें हैं वो यूएस में जो अवेलेबलिटी है वो बहुत इजी है कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है तो आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि आप इंडिया से बाहर कहीं पर गए हो आपको ऐसा ही लगता है कि आप इंडिया में हो uh, जबकि जो जर्मनी है जर्मनी में आपको इनिशियली दो साल जो है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग होते हैं इंडियन कम्युनिटी नहीं मिलती खाना नहीं मिलता वो, वो बाद में भी होता है पर स्टिल आप एडजस्ट हो जाते हो तो थोड़ा है ये ड्रॉबैक दूसरी चीज़ जो है वो लैंग्वेज वो भी एक दो साल का स्ट्रगल है जर्मनी में आपको लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है कहीं ना कहीं आपको काम आती ही है कुछ ना कुछ केसेस में आपको सीखनी ही पड़ेगी जो कि यूएस में जो है वो आप बस आए बैग लेके आपको अपनी इंडियन कम्युनिटी मिल गई अपना इंडियन खाना पीना मिल गया पहनना मिल गया तो आप बहुत ही जल्दी वहाँ पर जो है वो सेटल हो जाते हो बल्कि जर्मनी में जो है वो आपको मिनिमम जो है वो दो साल लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं वो ज़रूर कमेंट करना तो आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दीपक अभी अभी बहुत ज़्यादा यूएस जाने लगा है तो हमने सोचा कि हम आप लोगों को रिपोर्ट बताएं कि कहाँ पर क्या अच्छा है उसने खुद एक्सपीरियंस किया है कुछ चीज़ें और कुछ तो हम जर्मनी में रह के एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बहुत सारी आपको इंसाइट्स मिली हूँ तो अगर आप सोच रहे हो यूएस वर्सेस जर्मनी तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए यूरोप में रहना इंपॉर्टेंट है या आपके लिए सैलरी इंपॉर्टेंट है एंड वॉट हमने जितने भी क्राइटेरिया बताए आपके लिए मैं सही में जानना चाहती हूँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन सब में मैंने जो भी बताई वो नीचे ज़रूर लिखना क्योंकि हो सकता है किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज़रूरी ना हो किसी के लिए सैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो ज़रूर लिखना और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कोई नए टॉपिक लेके आएंगे अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन है तो ज़रूर हम लोगों को कमेंट करना हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और हाँ हमारी जो मेहनत है इतनी उसको ऐसे ही मत जाने देना प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो